क्वेश्चन नंबर 9, एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट देखिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया है। उस वेन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या शब्द है, पृथ्वी है। सभी स्टूडेंट आपके सामने दिया है पृथ्वी, बृहस्पति और सौरमंडल के बीच वेन डायग्राम क्या होगा बताएं। कुछ स्टूडेंट हैं जो अलग अलग आंसर दे रहे हैं। देखिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप इन शब्दों पे विचार करिए, पृथ्वी बृहस्पति सौर मंडल। तो आप सबको पता है सौर मंडल के अंतर्गत जो 8 ग्रह आते हैं उसमें क्या है, पृथ्वी भी है बृहस्पति भी है, और पृथ्वी और बृहस्पति दोनों अलग अलग ग्रह हैं, तो ये क्या होंगे, सौर मंडल के अंतर्गत आएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया आपका क्या, सौर मंडल, सौर मंडल में पृथ्वी और ये हो गया आपका बृहस्पति, यानी दोनों अलग अलग होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।